वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में। धातु पौष्टिक चूर्ण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको स्वप्न दोष से या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैद्यनाथ धातु पौष्टिक चूर्ण एक आयुर्वेदिक मेडिसन है जिसमें बहुत से आयुर्वेदिक हर्ब्स पाए जाते हैं, जैसे कि शतावरी, गोखरू बीज, बीजबंद, कबाब चीनी, कोंच बीज, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, मिश्री, अश्वगंधा जैसे बहुत से आयुर्वेदिक हर्ब्स पाए जाते हैं। और इस धातु पौष्टिक चूर्ण को बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस चूर्ण के उपयोग के बारे में। इस चूर्ण का उपयोग मुख्य रूप से वीर्य बढ़ाने, वीर्य को गाढ़ा करने, स्वप्न दोष के इलाज के लिए इस चूर्ण का यूज किया जाता है। और इसके बहुत से और भी उपयोग हैं, जैसे कि वीर्य को गाढ़ा करना, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, यौन समस्याएं, नपुंसकता और शरीर में किसी भी प्रकार की दुर्बलता को ठीक करने के लिए इस चूर्ण का यूज किया जाता है। अगर आपको स्वप्न दोष, नपुंसकता या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस चूर्ण का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस चूर्ण के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। इस चूर्ण के वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि यह आयुर्वेदिक मेडिसन है, लेकिन फिर भी इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट नजर आते हैं, जैसे कि भूख न लगना, कब्ज जैसी समस्याएं नजर आ सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं इस चूर्ण की डोज के बारे में। इस चूर्ण की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 ग्राम गाय के दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस चूर्ण की MRP के बारे में। इस चूर्ण की MRP है 100 ग्राम चूर्ण आपको 204 रुपए में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। आशा करता हूँ बैद्यनाथ धातु पौष्टिक चूर्ण की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।